कहानियां तो बहुत कही है मैंने, पर इस बार मैं सुनाने जा रहा हूँ भारत के खास जंगल में बसे विभिन्न जीव जंतुओं की कई अनकही और अनसुनी कहानियां। कहानी इन पहाड़ियों में रहने वाले दोस्त और घने जंगलों के बीच खुली वादियों में उड़ने वाले आजाद परिंदों की। मैं सुनाऊंगा कहानी वाइल्ड छत्तीसगढ़। धान का कटोरा छत्तीसगढ़, जिसे प्रकृति ने दिल खोलकर संपदाओं से नवाजा है। छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 44% हिस्सा वन्य क्षेत्र है, इसलिए छत्तीसगढ़ देश का वन आवरण की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। इन वनों में साल, सैगोन, बांस से लेकर कई प्रजातियों के वृक्षों के घने वन में विभिन्न प्रकार के वन्य जीवन निवास करते हैं। इन्हीं चट्टानों और जंगलों के गर्भ में लोहा, कोयला से लेकर सोना और हीरा समेत कई खनिज संपदा भरे हुए हैं। छत्तीसगढ़ अपने जंगलों को 3 राष्ट्रीय उद्यान और 11 अभयारण्यों में बांटती है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम सभी राष्ट्रीय उद्यानों में एक नजर डाल लेते हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। 2014 में इस नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बना दिया गया। ये जंगल अपनी खूबसूरती के लिए लोकप्रिय है। यहाँ नील गाय अधिक संख्या में पाई जाती है। यहाँ उछल कूद करते अलग अलग प्रजाति के बंदर आपका मन प्रसन्न कर देगा। इस जंगल के छोटे छोटे झरने और नदियां इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। लेकिन सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, यह जंगल इसलिए भी खतरनाक है। टाइगर, तेंदुआ, भालू जैसे खतरनाक मांसभक्षी भी इस वन में मौजूद हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। कलकल करती इंद्रावती नदी के कारण इस जंगल का नाम इंद्रावती नेशनल पार्क रखा गया। यह नेशनल पार्क बीजापुर जिले में स्थित है। सन 1983 में इस जंगल को भी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इंद्रावती नेशनल पार्क दुर्लभ जंगली भैंसे की अंतिम आबादी वाली जगहों में से एक है। चित्रकूट जलप्रपात, जो देश की सबसे चौड़ी जलप्रपात में विख्यात है, वह भी इंद्रावती नदी द्वारा ही इसी जंगल में बनाई गई है। इस नेशनल पार्क में आपको भिन्न भिन्न जानवर देखने को मिलेगा, जो इस जंगल को और भी सुंदर बना देते हैं। उछल कूद करते बंदर, नाचती हुई मोर, हिरणों की झुंड और खतरनाक जानवर भी इस वन में निवास करते हैं। Come on.
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। यह राज्य का सबसे छोटा लेकिन सबसे खूबसूरत राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, जो छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना को शरण देती है। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बनने के साथ ही इस पक्षी को राजकीय पक्षी का दर्जा दिया गया। यह मैना किसी भी आवाज की हूबहू नकल कर लेती है। यह पक्षी बस्तर, कांगेर घाटी, गंगलूर, बारसूर, बैलाडीला की पहाड़ियों में पाई जाती है, लेकिन सैकड़ों कोशिशों के बाद भी हमारा राजकीय पक्षी विलुप्ति के कगार पर है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का नाम कांगेर नदी के कारण पड़ा, क्योंकि उद्यानों के बीचों बीच यह नदी अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ती है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अपने गर्भ में अनेकों खनिज संपदा भरी हुई है, लेकिन नक्सली क्षेत्र होने के कारण इसे हासिल कर पाना बेहद चुनौतीपूर्ण है। सो फ्रेंड्स, ये तो रही हमारे राज्य की 3 राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन इसके अलावा छत्तीसगढ़ अपने जंगल को 11 अभयारण्यों में बांटती है। इन सभी जंगलों में अलग अलग प्रजाति के वन्य जीव निवास करते हैं और इनके साथ ही आदिम संस्कृति के लोग भी निवास करते हैं। छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों में बैगा जनजाति के लोग निवास करते हैं और वे पूरी तरह से जंगलों में ही आश्रित होते हैं। छत्तीसगढ़ के निवासियों को अपने जंगलों से बेहद लगाव है और वह इसलिए क्योंकि सभी वन्य क्षेत्र कहीं ना कहीं आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।